सरकारी नौकरी के बावजूद प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत सस्ता राशन लेने वाले कर्मचारियों पर विभाग ने डंडा चला दिया है। विभागीय जानकारी के अनुसार जब सरकार ने ये निर्णय लिया था उस समय विभिन्न विभागों और ट्रेजरी से लिस्टें मिली थी। जो कर्मचारी इनकम टैक्स देते हैं उस समय जिला कांगड़ा के 47 ऐसे लोग पाए गए थे जो इनकम टैक्स दे रहे थे और बीपीएल अंत्योदय या पीएचएस का लाभ ले रहे थे। इन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें से 7 लोग ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने कोई लाभ नहीं लिया था, जबकि 40 अन्य लोगों ने 6,54,537 रुपए की राशि रिकवर की है। उधर जिला खाद्य नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने बताया कि इसके बाद इंस्पेक्टर्स को निर्देश दिए गए थे कि पंचायतों में बीपीएल अंत्योदय की लिस्टें लेकर उनका अवलोकन कर ये पता लगाया जाए कि और लोग भी ऐसे तो नहीं जो सरकारी नौकरी में हैं और इनकम टैक्स दे रहे हैं और सस्ते राशन का लाभ भी ले रहे हैं, जिस पर जिला में 146 लोग और ऐसे पाए गए जो कि सरकारी नौकरी कर रहे थे और बीपीएल अंत्योदय पीएचएच का राशन भी ले रहे थे, जिन्हें नोटिस देकर उनसे 9,92,325 रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। जो भी ऐसे मामले सामने आते जाएंगे उन्हें नोटिस देकर उनके खिलाफ भी रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। 16.50 लाख रुपए के लगभग रिकवरी खाद्य आपूर्ति विभाग ऐसे लोगों से कर चुका है जो कि सरकारी नौकरी में हैं या इनकम टैक्स दे रहे हैं और बीपीएल अंत्योदय पीएचएच का लाभ भी ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जब ये डिसीजन लिया गया था कि इनकम टैक्स पेज को ये पीडीएस फैसिलिटी से बाहर करना है, उनको ये बेनिफिट सस्ते राशन का नहीं देना है, तो उस टाइम फिर विभिन्न विभागों से और ट्रेजरी से लिस्टें प्राप्त हुई थी इनकम टैक्स असेसिज की। तो उस हिसाब से हमारा जिला कांगड़ा के 47 लोग ऐसे पाए गए थे जो इनकम टैक्स पेयर थे और बीपीएल अंत्योदय या पीएचएच का बेनिफिट ले रहे थे। जब उनको नोटिस दिए गए तो उसमें सामने ये आया कि 7 लोग जो ऐसे थे जिन्होंने कोई बेनिफिट नहीं लिया था, बाकी जो 40 लोग थे उनसे हमने 6,54,537 रुपए रिकवर कर लिए थे। उसके पश्चात इंस्पेक्टर्स को निर्देश दिए गए थे कि पंचायतों से बीपीएल अंत्योदय की फ्रेश लिस्टें लेके उनको एनालाइज किया जाए कि क्या वास्तव में और कुछ लोग ऐसे तो नहीं हैं जो आज भी गवर्नमेंट सर्विस में हैं या इनकम टैक्स पे कर रहे हैं और बेनिफिट ले रहे हैं सस्ते राशन का। तो उस कार्रवाई के चलते हुए जिला में 146 लोग और ऐसे पाए गए जो नौकरी कर रहे थे और बीपीएल अंत्योदय या पीएचएच का राशन भी ले रहे थे, तो उनको भी नोटिस देकर उनसे 9,92,325 रुपए अब तक रिकवर किए जा चुके हैं। तो अभी और लिस्टें भी ऐसी आ रही हैं, ऐसे लोग ध्यान में आ रहे हैं, जैसे जैसे जितने जितने लोग आएंगे उनको नोटिस देके उनके खिलाफ भी वैसी कार्रवाई की जाएगी रिकवरी की। जिला कांगड़ा में कुल रिकवरी लगभग 16,50,000 के करीब जो है हो चुकी है आज तक। कितने लोग ऐसे पाए गए हैं जो सरकारी नौकरी में रहते हुए जो इन सुविधाओं का लाभ? 146 लोग हैं ऐसे, 146 लोग जो नौकरी लग गए थे, कोई 6 महीना पहले लगे थे, कोई 1 साल पहले, कईयों को 2-2 साल से ज़्यादा समय भी हो गया था। तो उस हिसाब से जितने जितने स्पैन हो रहे उतने की रिकवरी कर ली गई है। अभी पंचायतों के माध्यम से भी और आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं लोग? अभी जो हम जिला की सभी पंचायतों से हमने ये लिस्टें मांगी गई थी लेकिन अभी तक सबसे आई नहीं है, जितनी की आ गई है उनको नोटिस देके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और जो अभी कुछ ऐसी हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं, तो बाकियों से भी जैसे जैसे प्राप्त होगी उनके खिलाफ भी वैसे कार्रवाई की जाती रहेगी।